हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप इन क्यूमुलिन। क्यूमुलिन हम उसे बोलते हैं जिसमें सारे कार्बन डबल बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच हो। तो पहले तो डेफिनेशन लिखी, क्यूमुलिन की डेफिनेशन क्या है। क्यूमुलिन इफ कार्बन कंटिन्यू अटैच्ड बाय डबल बॉन्ड टू ईच अदर कॉल्ड क्यूमुलिन, कॉल्ड क्यूमुलिन। ये तो क्यूमुलिन की है। फर्स्ट मेंबर ऑफ क्यूमुलिन, फर्स्ट मेंबर ऑफ क्यूमुलिन हम अगर बात करें क्यूमुलिन को, तो कम से कम तीन एटम होने चाहिए। ज्यादा विवाद में नहीं पढ़ना चाहता मैं, सिर्फ इसीलिए बात कर रहा हूं कि ये हमारे लिए क्यूमुलिन हो गया। इस कॉल्ड, इस जगह हम क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड एलीन, इसको हम एलीन भी बोल देंगे। और वो ये है, क्या है ये, एलीन पक्का। तो हम बात कर रहे हैं क्यूमुलिन की या एलीन की। आप एलीन के बारे में क्या बोल सकते हो, इतना तो बोल सकते हो कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 sp और sp2। यस और नो? मुझे किसी ने कहा कि आपको ये, किसी ने मुझसे पूछा कि ये कंपाउंड आपको प्लेनर दिख रहा है या नॉन प्लेनर। मेरा सीधा सीधा आंसर था कि भाई एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, सब sp sp2 है, सब प्लेनर कार्बन पे है। तो ये कार्बन प्लेनर है, ये कार्बन प्लेनर है, ये कार्बन प्लेनर है, कंपाउंड प्लेनर हो सकता है क्योंकि सारे कार्बन प्लेनर है। लेकिन फिर दिमाग में आया, क्या अगर सारे कार्बन प्लेनर है तो मॉलिक्यूल भी प्लेनर होगा, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि और प्लेनर भी हो सकता है, अगर ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन सारे को प्लेनर हो तो कंपाउंड प्लेनर होता है। लेकिन एक प्लेन ऐसा है और एक प्लेन ऐसा है तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन प्लेनर। तो सारे कार्बन प्लेनर हो और वो सारे प्लेन को प्लेनर हो तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो कंपाउंड कैसा होगा इस पे बहस चालू हो गई, यानी सारे तो हमारे लिए जो पॉइंट बन के आया, इन एलीन ऑल कार्बन आर प्लेनर, आर प्लेनर। मैं मानता हूं सारे प्लेनर है, बट ऑल प्लेन आर नॉट को प्लेनर या को प्लेन, सो कंपाउंड इज नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर है। मुझसे अगला क्वेश्चन फिर पूछ लिया गया कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि कंपाउंड में सारे प्लेन नॉन प्लेनर है। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चंस, क्वेश्चन पे क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चंस, व्हाई क्यूमुलिन या एलीन ही बात कर लेता हूं मैं तो पहले, एलीन इज नॉन प्लेनर। तो जब मैं कहता हूं कि वाई एलीन इज नॉन प्लेनर, तो मैं इस कार्बन को देखता हूं और इसके हाइब्रिडाइजेशन को देखता हूं, ये एच एच, ये कंपाउंड पे, हाँ एच की जरूरत ही नहीं है, यहां ये है। हो ये रहा था कि यहां पर एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड बना दिया मैंने और इस पाई बॉन्ड का मैंने नाम दिया पी, इस पाई बॉन्ड का नाम दिया PYPY, सही है? तो क्या यहां पर भी पाई बॉन्ड बनेगा, हाँ या ना? यहां पर भी पाई बॉन्ड बनेगा और इसका नाम मैंने दे दिया, इस बॉन्ड का नाम PZ, PZ, पक्का। अगला पॉइंट, क्या इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन बोलना जरूरी है? हाँ, मैंने कहा sp2, इसके लिए भी मैंने बोल दिया
sp2, sp2 में एक s आएगा, एक p आएगा, एक p आएगा। मैंने मान लिया एक px है, py तो इसका कहाँ गया, पाई बॉन्ड बनाने, तो क्या हो जाएगा pz। तो ये जो sp2 है ये ट्राइगोनल प्लेन होगा, प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। लेकिन ये प्लेनर जो होगा ये प्लेन किस शेप, किस जगह होगा, प्लेन, ये प्लेन होगा xz, क्योंकि px और pz से बन रहा है, हाँ या ना। यहां पर s है, p है, लेकिन ये कौन सा p है, px तो है और दूसरा py है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर ये भी है। लेकिन ये जो प्लेन है ये कौन सा है, एक्स वाई प्लेन। तो क्या एक्स वाई प्लेन और वाई जेड, जो एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन को प्लेनर होते हैं, नहीं। मान लीजिए ये एक्स जेड है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई ये हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो मॉलिक्यूल बनेगा आपके पास वो क्यूमुलिन इस तरह का होगा, ये चीज लिख दिया आपने, क्यूमुलिन बोल दो या एलिन बोल दो, एक ही बात है। एलिन को क्यूमुलिन बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन क्यूमुलिन को एलिन नहीं बोल सकते हमेशा, क्यों, चार कार्बन की हो गई तो, पांच कार्बन की हो गई तो समझ में आ गया। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बना रहे हो तो पता है इस तरह से बनानी पड़ेगी आपको, ये एक प्लेन में बना लो आप पूरा, ये एक प्लेन में हो गया, और एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे और वो हाइड्रोजन आपके पास यहां होगा, आ ही नहीं सकते हैं, समझ में आ गई बात। एक पाई बॉन्ड यहां होगा, एक पाई बॉन्ड यहां होगा, लेकिन दोनों प्लेन अलग अलग हैं इस तरह से, ये यूं है, ये यूं है, कुछ भी समझ लीजिए। तो यहां से आपको एक और चीज निकल के आएगी कि मैक्सिमम हाइड्रोजन इन सेम प्लेन, क्यूमुलिन के बारे में, फॉर एल, क्यूमुलिन की जगह मैं लिखना चाहूंगा फॉर एलिन, फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम हाइड्रोजन इन सेम प्लेन आर टू, दो ही होंगे, चारों नहीं होंगे इसमें। दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम एटम्स इन सेम प्लेन पांच होंगे। अब एक दो तीन चार तो ले ही चुके हो, इस प्लेन को यहां तक बढ़ा दो, ये वाला आएगा, ये दोनों हाइड्रोजन बाहर हैं आउट ऑफ दिस, लेकिन ये कार्बन को तो ले सकते हो पांच। थर्ड, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट। फोर्थ, यहां दो पाई बॉन्ड है, आपको एक पाई बॉन्ड दिख रहा है पीवाई पीवाई में और एक पीजेड पीजेड में, बोथ पाई बॉन्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ पाई बॉन्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर नॉट का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, नॉट टू ईच अदर, नॉट फॉर नॉट या नोडल प्लेन, नोडल प्लेन फॉर ईच अदर। आप देखिए ये पाई बॉन्ड है तो इस जगह इसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो ये एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, नोडल प्लेन, जहां ये होगा वहां ये नहीं होगा, जहां ये होगा वो यहां ये नहीं होगा, तो एक दूसरे के लिए वो क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के लिए हो जाएंगे नोड। कोई दिक्कत नहीं है समझने में।
तो ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आ चुके हैं, इनमें से ये भी आ चुका है, 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 तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन से क्वेश्चन है जो और आगे बन सकते हैं, पहले तो इसको समझिए आप अच्छे से। फिर एक बार और, ये है मेरे लिए क्यूमोलिन, जिसे हम फर्स्ट मेंबर बोल रहे हैं एलीन, दो पाई बॉन्ड है, ये इस प्लेन में है, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड एक दूसरे के लिए क्या है, परपेंडिकुलर, ये अलग है। तो अब आप मेरे को यहां पर वर्क कीजिए मेरे साथ, जहां ये पाई बॉन्ड है वहां ये पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, नहीं, ये उसके परपेंडिकुलर, तो ये इसके लिए नोड है और ये इसके लिए नोड है, नोड का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं। मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में मिल रहे हैं आपको, एक दो तीन चार पांच, क्या ये पांचों एटम एक ही प्लेन में मिल रहे हैं आपको, हाँ। कौन से दो एटम नहीं मिल रहे थे, एक ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, मैक्सिमम हाइड्रोजन इन सेम प्लेन, वन टू, ये वाला प्लेन लेते हैं तो वन टू, ये लेते हैं दस। एक और चीज मेरे को बताइए, ये ओवरऑल ये कंपाउंड प्लेनर है या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, ओवरऑल इट इज नॉन प्लेनर। फिफ्थ पॉइंट, एलीन इज नॉन प्लेनर, ये नॉन प्लेनर है, दिख ही रहा है, कोई दिक्कत, पक्का, अच्छे समझ में आ गई आपको बात। मुझे एक और पॉइंट मिल रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए तो क्या उसको एलीन बोलेंगे, नहीं, फिर हम उसे क्या बोलेंगे, क्यूमोलीन तो बोलेंगे। किस जगह बढ़ाने की बात कर रहा हूं, इस जगह, एक दो तीन चार। अब ये हमारे पास हो रहा है फोर कार्बन क्यूमोलीन, क्या नाम है इसका, फोर कार्बन क्यूमोलीन, एलीन अब कॉमन नेम नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोर कार्बन क्यूमोलीन, शॉर्ट लॉक कर दें। फोर कार्बन क्यूमोलीन के अंदर आपके पास यहां कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, एसपी टू, एसपी, एसपी टू, नहीं, एसपी, एसपी टू, पक्का, चलिए मार्किंग करना चालू करें। ये पाई बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, मान लीजिए पाई पी वाई पी वाई, अब क्या बनेगा यहां पर, पाई पी जेड पी जेड, क्योंकि इसका वाई इसके साथ है तो इसके साथ अब जेड ही आएगा, समझ में आया। एक कार्बन के पास एक ही पी एक्स, एक ही पी वाई और एक ही पी जेड होता है। अब यहां कौन सा आएगा पाई बॉन्ड, पी वाई पी वाई, सेम आ गया, तो इससे मुझे क्या पता चला, मुझे इससे यह पता चला कि यहां पर एस पी एक्स पी जेड यूज हो रहे थे और यहां पर भी एस पी एक्स पी जेड यूज हो रहे हैं, सही है, एस पी एक्स पी जेड, यहां पर भी एक्स पी एस पी जेड। तो देखिए ये जो क्यूमुलीन है ये एक्स जेड प्लेन मान लीजिए, फिर कार्बन आया, ये कार्बन आया, ये सब लीनियर थे, फिर ये एक कार्बन है और यहां पर भी ये एक्स जेड प्लेन है, तो यहां तक तो लाइन है, उससे कोई मतलब है नहीं, ये प्लेन, ये प्लेन, और आर पूरा मॉलिक्यूल मुझे सेम प्लेन में दिखाई दे रहा है, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, बाकी सब जगह डबल बॉन्ड होना अच्छी बात है, चारों कार्बन एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो यहां आपके पास क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, पहली बात फोर कार्बन क्यूमुलीन, फोर कार्बन क्यूमुलीन इस प्लेनर, फोर कार्बन क्यूमुलीन इस प्लेनर, और क्या बोल सकते हो आप यहां पर, दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम एटम इन सेम प्लेन कितने हैं,
आप बताइए, चार तो कार्बन ही हो गए, चारों हाइड्रोजन हो गए, तो कितने हुए? आठ। वेरी गुड, आठ। कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा यहां पर? एसपी एंड एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? और सारे पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक नहीं है। पक्का? तो फोर कार्बन क्यूमुलिन इज प्लेनर। तो क्या मैं फाइनली क्या अप्रोच बोलूं? मैं ये बोल दूं ऑड कार्बन क्यूमुलिन इज नॉन प्लेनर, वेयर एज इवन कार्बन क्यूमुलिन इज प्लेनर। चलेगा बात? तो बाद में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है इवन कार्बन क्यूमुलिन इज प्लेनर वेयर एज ऑड कार्बन क्यूमुलिन इज नॉन प्लेनर। सही है? तो जितनी भी क्यूमुलिन आपको दिख रही है, कितने कार्बन की क्यूमुलिन है? फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन क्यूमुलिन क्या होगी, प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। एक दो तीन चार पांच छह सात, सेवन कार्बन क्यूमुलिन। प्लेनर। हाँ, नॉन प्लेनर। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एट कार्बन क्यूमुलिन क्या होगा? एट कार्बन क्यूमुलिन प्लेनर। आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट्स? टफ लग रहा है क्या? नहीं, इजी है। क्यूमुलिन कोई सी भी हो, ये आपके लिए बहुत आसान है। आप प्लेनर नॉन प्लेनर बोलना, नॉन प्लेनर प्लेन, नॉन प्लेनर यहां पर प्लेनर। अगर बाकी के इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने हाइड्रोजन प्लेनर में होंगे, प्लेन में होंगे, नॉन प्लेनर है तो दो, फिर दो, चार, चारों हाइड्रोजन सेम प्लेन में होंगे। यस और नो, लिख लें इसको।